press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टाम्प वेंडर द्वारा तहसील में की जा रही हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार द्वारा इनकी मांगों को मान लिया गया है। गौरतलब है कि स्टाम्प बेचने की सीमा 3 लाख रुपए करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी था। अलवर डीड राइटर स्टाम्प वेंडर समिति की ओर से इसे लेकर ज्ञापन भी दिया गया। समिति के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि वर्ष 2015 से पहले स्टाम्प वेंडर को 3 लाख के स्टाम्प बेचने की पावर थी, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया। इसके बावजूद अब राज्य सरकार द्वारा नए नियमों के तहत अन्य कंपनियों को स्टाम्प बेचने की अनुमति दी जा रही है। स्टाम्प वेंडर्स की जो लगभग 12-13 दिन से हड़ताल चल रही थी और उसका जो सहयोग डीड राइटर्स और एडवोकेट्स वगैरह दे रहे थे, उसमें कल राज्य सरकार ने हमारी सारी डिमांडों को मान लिया है और ये आश्वासन दिया है कि हम इस बजट में पूरे उस सिस्टम को लागू कर देंगे जो ये स्टाम्प वेंडर्स के हित में है, जिससे स्टाम्प वेंडर्स का लाइसेंस कैंसिल ना हो और इनको जो स्टाम्प बेचने की पावर है वो यथावत पूर्व की तरह चलती रहे। इसमें ई ग्रास सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, जैसे हम जो चालान जमा कराते हैं वो सीधा ई ग्रास के सिस्टम से सीधा गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। पहले वो कह रहे थे कि स्टॉक होल्डिंग के खाते में आप जमा कराइए, स्टॉक होल्डिंग के खाते में जमा कराने के बाद 3 दिन बाद राज्य सरकार के खाते में वो पैसा जाएगा। एक तो राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी, दूसरा बीच में गालमेल की स्थिति पैदा हो रही थी। अब हम जमा कराएंगे, सीधा गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। दूसरा, जो स्टाम्प का छपे हुए स्टाम्प जो मिलने में दिक्कत हो रही थी, अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि रेगुलर आपको स्टाम्प मिलेंगे और पूर्व की तरह 1 लाख और 50 हज़ार तक की सीमा जो आप बेच सकते हो वो आपको। इस वजह से जिले भर के स्टाम्प वेंडर हड़ताल पर चले गए थे। अब सरकार ने इनकी मांगे मान ली है।